सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 8 स्मार्टफोन का। दोस्तों, आपको पता होगा कि Realme ने कुछ दिनों पहले Realme 3 Pro स्मार्टफोन को 13,999 रुपए के प्राइस में लॉन्च किया था। बट दोस्तों, आपको अभी ये स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ 9,999 रुपए के प्राइस में मिलता है, और इसी प्राइस में सेम Redmi की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आता है जिसका नाम है Redmi Note 8 स्मार्टफोन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए Realme 3 Pro स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा या Redmi Note 8 स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। अगर दोस्तों आप भी सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिस्प्ले से। तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर हमें 6.3 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जिसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस रहेगा। वहीं मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोच मिलती है। अगर Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.3 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जहां फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और वाटर ड्रॉप नोच मिलेगी। यानी कि दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन बराबर के हैं। दोनों मोबाइल फोन डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन का SoC मिलता है। वहीं दोस्तों, जो Realme 3 Pro स्मार्टफोन होगा वहां हमें Qualcomm Snapdragon 710 का SoC मिलेगा, और Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 665 का SoC मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर हमें इतना पावरफुल SoC नहीं मिलेगा जितना पावरफुल SoC हमें Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों, एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हम Realme 3 Pro स्मार्टफोन से ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम रैम वेरिएंट्स की बात करें तो दोनों मोबाइल फोन पर हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स मिलेंगे। अगर Realme 3 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 4GB 64GB मिलेगा, 6GB 64GB और 6GB 128GB। वहीं दोस्तों, Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 4GB 64GB और 6GB 128GB के दो रैम वेरिएंट्स मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन पर हमें माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट अलग से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में Realme 3 Pro स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। कैमरास की बात करें तो दोस्तों, Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर हमें डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल होगा, जिसका एफर्चर होगा f1.7, जहां हमें सोनी IMX519 का सेंसर देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का, जो एक डेप्थ सेंसर होगा। अगर दोस्तों Realme 3 Pro स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो वाटर ड्रॉप नोच के अंदर हमें 25 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलता है। तो अगर दोस्तों हम Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया, जहां हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। जो मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, जहां हमें सैमसंग GM1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा मिलेगा हमें 8 मेगापिक्सल का, जो वाइड एंगल सेंसर होगा। थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो डेप्थ सेंसर है। फोर्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक मैक्रो सेंसर है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर हमें वाटर ड्रॉप नोच के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसका एफर्चर होगा f2.0। यानी कि दोस्तों, Redmi Note 8 स्मार्टफोन की तरफ एडवांटेज यह है कि इस पर हमें रियर साइड पर अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो हमें Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर नहीं मिलेगा। बट दोस्तों, ऐसे में Realme 3 Pro स्मार्टफोन का जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा दोस्तों, उससे हम अल्ट्रा HD में भी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, 64 मेगापिक्सल की पिक्चर कैप्चर हम Realme 3 Pro स्मार्टफोन से कर सकते हैं। और तो सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरे में Realme 3 Pro स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन पर हमें 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो अब अगर हम पावर बैकअप की बात करें तो दोस्तों, Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर हमें 4045 mAh की बैटरी मिलेगी, जो वूक चार्जिंग 3.0 के साथ आएगी। बट दोस्तों, Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट के साथ आएगी। बट थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि दोस्तों, Realme 3 Pro स्मार्टफोन पर हमें USB-C टाइप पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोनों मोबाइल फोन पर दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 पाई देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल फोन पर हमें खुद की कस्टम UI भी देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए दोनों मोबाइल फोन पर फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर दिया जाएगा, और एक फेस अनलॉक हमें दोनों मोबाइल फोन पर देखने को मिलता है। और से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों मोबाइल फोन के प्राइस अब इंडिया की मार्केट में 9,999 रुपए है। तो आप में से बहुत से लोग ये डाउट में होंगे कि इस प्राइस में हम किस स्मार्टफोन को खरीदे। तो ऐसे में दोस्तों, आप अगर आप गेमिंग या परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप दोस्तों Realme 3 Pro स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक अच्छा और पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं और अच्छा सेल्फी कैमरा लेना चाहते हैं तो आप बेहिचक होकर Realme 3 Pro स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्वाड कैमरे में डेप्थ सेंसर
अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और मैक्रो सेंसर की जरूरत है तो आप रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अब दोनों ये स्मार्टफोन 9999 रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी।